कोरिया पुलिस ने डिग्गी तोड़कर उठाई गिरी के मामले में दो आरोपियों को पकड़ा, जबकि दो फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दर्जनों मामले दर्ज हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी ने बताया कि साइबर सेल कोरिया की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेते हुए आरोपियों द्वारा चोरी में उपयोग की गई मोटरसाइकिल की सटीक पहचान की। 24 सितंबर को थाना चर्चा के पास हाईवे पर उप निरीक्षक द्वारा वाहन चेकिंग प्वाइंट लगाया गया, जहां चोरी में प्रयुक्त वाहन में सवार दो व्यक्तियों को रोका गया। पूछताछ के दौरान वे वाहन के कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिससे संदेह होने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। बाद में उन्होंने थाना चर्चा और थाना पटना क्षेत्र में डिक्की तोड़कर चोरी के घटना को स्वीकार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मेमोरेंडम कथन में स्वीकार किया कि उन्होंने दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कई चोरियां की हैं, जिनमें हाल ही में थाना चर्चा और थाना पटना में हुई चोरियां भी शामिल हैं। अन्य दो आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। इसमें हमारी टीम ने दो आरोपियों को पकड़ा है, दो आरोपी इसमें फरार है। ये चारों मिलकर मध्य प्रदेश के कई जिलों में चोरी की घटनाएं और टाइगरी की घटनाएं को वारदात दे चुके हैं। इन दो आरोपी अभी जो मिले हैं उनकी मध्य प्रदेश और यहाँ हमारे टोटल मिलाकर 23 अपराध अभी तक पंजीकृत हैं। ये राजस्थान में भी इन्होंने इस टाइगरी की वारदात को अंजाम दिया है। अभी जो लेटेस्ट है, अभी हमारे चर्चा पटना के अलावा ये सरहदी जो हमारे जिले हैं विश्रामपुर में भी 60,000 की उठाईगिरी किए हैं। अंबिकापुर में भी पिछले साल इन्होंने उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया था।